हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टीट्यूड जैब। आज की वीडियो में हम ट्राइंगल्स के बारे में देखेंगे और ट्राइंगल्स के प्रॉपर्टीज को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करके, क्योंकि थोड़ा बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम इसमें ट्राइंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स क्या क्या होते हैं ट्राइंगल्स के। ठीक है, और नेक्स्ट में कुछ हम स्पेशल थियोरम्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स बात करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। बेस्ड ऑन एंगल, ठीक है, एंगल के बेसिस पे तीन तरह के होते हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल जिसे न्यून कोण कहते हैं, इसका क्या होता है, ऑल एंगल्स, सारे एंगल 90 से कम होते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, इसमें एक एंगल होता है आपका 90 डिग्री का। ठीक है, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है, इसमें एक एंगल होता है जो आपका 90 डिग्री से ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये हमारे तीन ट्राइंगल्स होते हैं। अब फिगर बनाने में तो ठीक है, एक थ्योरम होता है जिसे पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आपने राइट ट्राइंगल के लिए पढ़ा होगा। ठीक है, राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि अगर मान लो एक राइट ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है। ठीक है, जो लंबी, सबसे लंबी साइड होती है इसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये आपने पढ़ा होगा राइट ट्राइंगल के लिए। ठीक है, पर यही थ्योरम आपका एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल पे भी लगता है। ठीक है, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर होता है तो यहाँ पे एक्यूट एंगल बनता है, और अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है लेस देन सी स्क्वायर तो होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, ये सबको आता है, ये ऐसा थ्योरम है जो सभी को याद रहता है जिसने मैथ्स अगर ढंग से ना भी पढ़ी हो। पर ये दो चीजें हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कभी कभी आपको ट्राइंगल की साइड्स दे देंगे, पूछेंगे ये एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है या राइट एंगल है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ साइड। सो लेंथ ऑफ साइड्स वी हैव थ्री ट्राइंगल्स, स्केलीन, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल। स्केलीन में क्या होता है, ऑल साइड्स अनइक्वल। ठीक है, जो जितनी भी साइड्स होती हैं वो बराबर कोई भी नहीं होती है। आइसोसेलेस में क्या होता है, दो साइड्स बराबर होती हैं, एक डिफरेंट लेंथ की होती है। और इक्विलेटरल में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल। ठीक है, ये हम साइड्स के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी हमारी एंगल्स में भी लगती है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि साइड्स का हमें पता रहता है पर एंगल्स का पता नहीं रहता, तो इसमें ऑल एंगल्स भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, एंगल्स भी अलग अलग अनइक्वल होते हैं। आइसोसेलेस में क्या होता है, दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं, साइड के साथ साथ एंगल भी इक्वल होते हैं, और इसमें सारे एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे टाइप्स होते हैं ट्राइंगल्स के, तो ये इनकी प्रॉपर्टीज होती है। कभी कभी इनसे सवाल पूछा जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं कुछ और जेनरिक प्रॉपर्टीज के बारे में। ये स्पेशल के नहीं, सभी ट्राइंगल्स पे एप्लीकेबल होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हैज टू बी ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं होती है उनकी लंबाई को अगर आप जोड़ दो तीसरे से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख ले, प्रूफ समझ लेते हैं कि कैसे होने चाहिए। सपोज हम लेते हैं, एक साइड लेते हैं तीन, एक लेते हैं चार, एक लेते हैं आठ। ठीक है, अगर आप यहां से तीन नापोगे, तीन यहां तक आ जाएगा, सपोज ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं, और यहां से चार लोगे तो चार ये हो जाएगा, और टोटल हमारा बनना है आठ। तो ये तो बन ही नहीं सकता ट्राइंगल, ये देखो तीन यहां पर तक आ जाएगा, चार यहां तक आ जाएगा, बीच में एक बच गया। ठीक है, तो आठ तो बन ही नहीं सकता है, थोड़ा सा ये अनइक्वल लग रहा है। यहां तक मान लो तीन है, यहां तक चार है। ठीक है, तो आठ तो बन ही नहीं पाएगा,
क्योंकि ये 3 प्लस 4 7 ही बन रहा है और ये टोटल 8 है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसे 4 4 8 कर लें तो क्या होगा, ये 4 यहां तक आ जाएगा और ये 4 यहां तक आ जाएगा, तो 4 4 मिला के 8 बनेगा, ये लाइन ही बन पाएगी। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर हम इसे 5 4 ले लेते हैं और 8 ले लेते हैं, तो 5 और 4 ले लेंगे, 5 4 और 8 का ट्राइंगल हम बनाना चाहेंगे, तो क्या होगा, अगर हम 5 और 4 ऐसे रखना चाहेंगे तो ये मिलेंगे ही नहीं ना, क्योंकि 5 थोड़ा सा इधर आ जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मिलाएंगे तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे आएगा, तो ओवरलैप हो जाएगा, पर अगर हम इसे थोड़ा सा ऊपर कर देंगे और इसे भी, तो ये ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये ट्राइंगल 5 4 और 8 में पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम 5 4 और 8 की साइड लेंगे तो ट्राइंगल पॉसिबल हो सकता है। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि कोई भी दो साइड्स अगर होती है ए प्लस बी, वो सी से बड़ी होती है। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी कहती है, द साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल इज द ग्रेटेस्ट एंड द साइड ऑपोजिट टू द स्मॉलेस्ट एंगल इज द स्मॉलेस्ट। कोई भी ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है, जो सबसे बड़ी साइड है उसके ऑपोजिट सबसे बड़ा एंगल होगा। ठीक है, सपोज मान लो ये साइड सबसे बड़ी है, ठीक है, तो ये एंगल सबसे बड़ा होगा, ये सबसे छोटी साइड है तो ये सबसे ये साइड सबसे छोटी है तो ये एंगल सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो ये एक और थ्योरम है। ठीक है, अब इसी के प्रॉपर्टी पे हम आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करते हैं। मैंने कहा था आइसोसेलेस ट्राइंगल के दो साइड बराबर होती है। ठीक है, ये दो साइड बराबर हैं तो ये एंगल भी बराबर होते हैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड बराबर होती हैं तो तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो अगर साइड बड़ी है तो एंगल भी बड़ा होगा, साइड छोटी है तो एंगल भी छोटा होगा। द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स नॉट एडजेसेंट टू इट। ठीक है, अब इस थ्योरम को समझते हैं। ये क्या कहता है कि जैसे मान लो हमने एक ट्राइंगल बनाया, ये हमारा कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है, किसी भी शेप में बना सकते हो, आप किधर को भी एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हो। तो ये हमने एक एक्सटीरियर एंगल बनाया, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ई, ये कहते हैं कि ये जो दो साइड हैं, टू इंटीरियर एंगल्स नॉट एडजेसेंट टू इट, इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, जो अंदर होते हैं। ठीक है, इसका सम ए और बी के बराबर होगा। मान लो ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। ठीक है, तो ये कहता है ई इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब ये कैसे हो सकता है, बहुत सिंपल सा प्रूफ है। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी हमारा कितना है, 180 ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, और ई और सी एक लाइन है, तो ई प्लस सी भी हमारा 180 है। ठीक है, तो इसका मतलब ए प्लस बी हमारा ई के बराबर आ गया। बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है, तो कहीं भी फिगर में ऐसे एंगल बनाओ तो समझ जाओ कि ये दो का सम होगा। ठीक है, तो ये हमारी एक और प्रॉपर्टी हो गई। फिर एक है एरिया, एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। ये हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था। तो मान लीजिए ये ट्राइंगल है, ये हम इसका बेस मान लेते हैं, हाइट हो जाएगा यहां से जो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो ये होता है हाफ बेस इनटू हाइट। और एक और फॉर्मूला होता है, इसे कहते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला। ठीक है, हेरॉन्स फॉर्मूला क्या कहता है, अगर हमें साइड्स पता है तीनों साइड, तो पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। ठीक है, जिसे अर्ध परिमाप कहेंगे, तीनों साइड का सम लेके दो से डिवाइड कर दो, वो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। फिर उसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो सपोज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एक ट्राइंगल है, उसकी साइड्स हैं 3 4 और 5, ये हम लेके चलते हैं। तो हमारा एस कितना आ जाएगा, एस आ जाएगा 3 4 5 / 2, यानी कि 12/2, यानी कि 6 आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया हमारा हो जाएगा, एस कितना है 6, एस माइनस ए कितना है 3, तो 6 - 3 3, 6 - 4 2, और 6 - 1, 6 - 5 1। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया, 6 × 6 36, 36 का अंडर रूट कितना हो जाता है 6। तो ये हमारा एरिया निकालने का तरीका होता है।
ये हमने कुछ ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज समझी और इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अब राइट और इक्विलेटरल ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये हमने बात कर ली थी कि ये पाइथागोरस थ्योरम होता है, ठीक है। और ऑब्ट्यूज के केस में क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर। और एक्यूट के केस में हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर, ठीक है। फिर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल एक स्पेशल तरह का ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं, तो उसके एरिया हो जाता है √3/4 a² जहाँ पे ए आपकी साइड होती है, ठीक है। तो ये आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो लाइक जैसे जैसे साइड दी है 12, एरिया हो जाएगा √3/4 12² तो 3 × 12 × 3 = 36, 36√3 एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, पाइथागोरियन ट्रिपल्स। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज मेनी टाइम्स आपको ट्राइंगल दिए रहते हैं, आपको पता नहीं होता कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सबसे कॉमन होता है 3 4 5, ठीक है। अगर मैं कहूँ 3 4 5 या कि सेम रेशियो को रख लूँ 6 8 10 9 12 15, यस 16 20 25, राइट। तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, सॉरी 15 20 25, ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, ठीक है। इसके रेशियो में जितने भी नंबर बनेंगे वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होंगे। तो कई बार राइट ट्राइंगल दिया रहता है इसी रेशियो में, तो स्टूडेंट्स को अक्सर पता नहीं रहता है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो वो सॉल्व करने लग जाते हैं। मान लो आपको क्वेश्चन दिया होगा कि एक साइड 15 है, दूसरी साइड 20 है, आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो लोग क्या करते हैं, लोग इसका स्क्वायर निकालेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर बी, फिर सी स्क्वायर निकालेंगे। तो अगर आपको एक प्रॉपर्टी पता है तो आप सीधे से कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं, जो फर्स्ट लाइन में लिखे हैं ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको वैल्यूज देख के ही पता हो जाना चाहिए कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, ठीक है। चलिए अब हमने टॉपिक्स देखे, कुछ इनसे क्वेश्चंस देख लेते हैं। अ ट्राइंगल विद साइड्स 7 10 एंड 12 इज, 7 10 और 12 की साइड वाला ट्राइंगल कैसा होगा। एक्यूट, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इसमें क्या करना है, हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। यूज पाइथागोरस थ्योरम, 7 स्क्वायर होता है 49, 10 स्क्वायर होता है 100, 12 स्क्वायर होता है 144। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 7 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर ये ज्यादा है 12 स्क्वायर से, लेकिन 149 करोगे इससे ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्यूट ट्राइंगल, राइट। सो ऑब्ट्यूज में, एक्यूट में होता है a² + b² ग्रेटर देन सी स्क्वायर। राइट एंगल तो पता ही है, a² + b² = c² और a² + b² < c² के, तो ये चीज बतानी चाहिए प्रॉपर्टी। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद साइड्स 20 21 29। तो इसमें क्या करेंगे, हम विल यूज हेरॉन्स फॉर्मूला इन दिस केस। जब भी तीनों साइड दी हो तो हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करना चाहिए। हेरॉन्स फॉर्मूला क्या कहता है, पहले हम एस निकालते हैं, फिर हमारा एरिया होता है √s, s - a, s - b, s - c। तो अगर हम एस निकालें, हमारा एस आ जाएगा 20 + 21 + 29/2,
आ गया 50 + 20 70/2 यानी कि 35। और एरिया कितना आ जाएगा, अंडर रूट एस कितना है, एस है 35। एस माइनस ए, सो 35 - 20 कितना होता है 15। 35 - 21 14 और 35 - 29 यानी कि 6। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसे हम लिख सकते हैं 5 × 7, ठीक है। 15 को लिख सकते हैं 3 × 5, ये हो जाएगा आपका 7 × 2 और 6 हो जाएगा 2 × 3। तो 2 2 का पेयर बन गया, 7 7 का पेयर बन गया, 5 5 का बन गया और 3 3 का पेयर बन गया, ठीक है। तो ये सारे हमारे पेयर बन गए। अब इसे हम बाहर ले लेते हैं, 5 5 एक बाहर आ जाएगा, 7 7 था तो 7 बाहर आ जाएगा, 3 3 था तो 3 बाहर आ जाएगा और 2 × 2 तो 1 2 हम बाहर निकल लेंगे, 10 और 7 × 3 21, 21 × 10 210 हमारा एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें तीनों साइड्स दी होती हैं, तो हम हेरोंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं ट्राइंगल का एरिया, ये फॉर्मूला होता है। अब ये थोड़ा लंबा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है आपका बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये कह रहा है कि अ लैडर रीचेस एन 8 मीटर हाई विंडो, कीपिंग द फुट ऑफ द लैडर एट द सेम पॉइंट इट इज मूव टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, इट रीचेस अ विंडो 12 मीटर हाई। इफ द लैडर इज 13 मीटर लॉन्ग, फाइंड द विड्थ ऑफ द रोड, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम कैसी है, इस तरह से है कि यहाँ पे एक सीढ़ी लगा रखी है, ये 8 मीटर की ऊंचाई तक सीढ़ी है, ठीक है। फिर इसको क्या किया, ये सीढ़ी थी, इस सीढ़ी को इधर की तरफ टर्न कर दिया आपने, और इधर की तरफ टर्न किया तो ये 12 मीटर की ऊंचाई तक छूने लगी, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया कि सीढ़ी की लंबाई कितनी है 13 मीटर, यहाँ भी 13 ही मीटर होगी क्योंकि सेम सीढ़ी है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये सड़क कितनी चौड़ी है, ठीक है। सड़क के एक साइड 8 मीटर की ऊंची खिड़की थी, सड़क की दूसरी साइड 12 मीटर ऊंची है। तो आपको बताना है कि ये सीढ़ी, ये सड़क की चौड़ाई कितनी है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक राइट ट्रायंगल बनेगा, ये राइट ट्रायंगल बनेगा। तो सबसे पहले ये देखो कि ये तो सिंपल सा है कि अगर ये 12 13 मैंने आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताए थे, 5 12 13 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं भी याद है कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे। ये हो जाएगा आपका 13² - 12² 13² होता है 169 - 144 यानी कि आपका आ जाएगा √25 5, ठीक है। तो अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद नहीं है तो कोई बात नहीं, ये 5 हो गया, ठीक है। अब ये वाला पार्ट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये कितना हो जाएगा 13² और यहाँ पे 8 है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 169 - 64 तो ये √105 आएगा, ठीक है। अब आपको चिंता नहीं करनी है 10 पॉइंट कितना आएगा, सपोज यहाँ पे कुछ 10 पॉइंट समथिंग आ गया, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 + 10 point something जो भी है, तो आपका आएगा 15 point something, एक ही ऑप्शन दिया है 15.2 meters, तो यानी कि ये 10.2 रहा होगा, ठीक है। तो आपको इसकी चिंता नहीं करनी कि 10.2 है 10.3 है, ठीक है। आपको वहां तक देखना ही नहीं, बस आपको देखना है 10 है, 10 से थोड़ा ज्यादा है 5 है, 5 और 10 15, 15 से थोड़ा ज्यादा आंसर आना चाहिए, एक ही ऑप्शन 15.2 है। अगर दो ऑप्शन होते 15.2 15.5 तो आप निकाल के भी देख सकते थे, ठीक है। तो इस सवाल को इस तरह से पाइथागोरियन थ्योरम से लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन एन इंडोर स्टेडियम 12 मीटर लॉन्ग 9 मीटर वाइड एंड 8 मीटर हाई। ये बेसिकली क्या है, ये 3 डायमेंशन में पाइथागोरस है, ठीक है। तो अगर क्या होता है कि अगर आपको 3 डायमेंशन में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, आपको लेंथ विड्थ और हाइट दी है,
इसमें जो लॉन्गेस्ट पोल होता है इसकी लेंथ होती है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो ये थ्री डायमेंशन में अगर आपको देखे किसी एक कोने से दूसरे कोने तक पोल आपको लंबा से लंबा निकालना है तो इस तरह से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम निकालते कितना आएगा, तो एल आपको दी है इसकी लंबाई दी है 12, 9 और 8, इन सबके स्क्वायर निकाल के निकाल लेते हैं। तो ये आ गया हमारा 289, 289 होता है 17 का स्क्वायर, तो आपका आंसर आ जाएगा 17 मीटर। ठीक है, तो कभी भी ऐसे पोल वाला क्वेश्चन पूछा जाए और कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दी है तो ये फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विथ इंटीजर साइड्स इज इक्वल टू 15, हाउ मेनी सच ट्राइंगल्स आर पॉसिबल। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सा आपको प्रॉब्लम लगेगा कि आप कैसे निकालोगे इसे। ठीक है, अब देखते हैं इसे किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी याद रखनी है कि ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसमें, हम मान लो कि आप सबसे लंबी साइड कितनी कह सकते हो, किस ज्यादा से ज्यादा कितनी लंबी साइड हो सकती है। अगर हम यहाँ पे सी सबसे बड़ी साइड है, सी हम 8 रखते हैं, ठीक है, तो क्या पॉसिबल है। देखो ए प्लस बी प्लस सी हमें 15 दिया है, ठीक है, पेरीमीटर हमें दिया 15, तो ए प्लस बी 7 हो जाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसे 7 रखते हैं तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम सी रख रहे हैं और ए प्लस बी रख रहे हैं फिर हम उसके केसेस बनाएंगे कैसे, कितने कितने केसेस पॉसिबल है। अगर हम सी को 7 रखते हैं तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा 8। ठीक है, अगर हम सी को 6 रखते हैं तो ये हो जाएगा 9। इस तरह से हम केस निकालेंगे। ठीक है, तो सी मतलब क्या है, हमारी लॉन्गेस्ट साइड है। ठीक है, अगर हम 7 रखते हैं तो हम हमारे बाकी दो का टोटल 8 आना चाहिए, तो ऐसा हो सकता है 7 और 1 के साथ 8 आ सकता है। ठीक है, 6 और 2 के साथ 8 आ सकता है, 5 और 3 के साथ 8 आ सकता है, या फिर 4 और 4 के साथ 8 आ सकता है। तो 4 केस होगा। ठीक है, अगर हम ये 6 रख रहे हैं और टोटल 9 आना चाहिए, तो 9 कैसे आ सकता है, 6 और 3 के साथ आ सकता है। अब आप सोच रहे हो 8 प्लस 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि लॉन्गेस्ट तो 6 है ना, 6 से बड़ी कोई साइड नहीं हो सकती, तो 6 और 3 से हमारा 9 बन सकता है, या फिर 5 और 4 से भी 9 बन सकता है। ठीक है, तो दो केस ये बन गए। फिर उसके बाद मान लो हमने तीसरा केस लिया कि 5 अगर हम लॉन्गेस्ट रखते हैं तो बाकी दो 10 होना चाहिए। ठीक है, तो 10 कैसे बन सकता है, 5 5 से, तो तीनों साइड 5 5 5 भी हो सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है ना, 5 5 5 15। तो हमारे कितने केस बन गए, 4 केसेस यहाँ बन गए, 2 केसेस यहाँ बन गए, 1 केस यहाँ बन गया, तो टोटल 7 तरीके से हम ट्राइंगल बना सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी आपको पेरीमीटर दिया हो और पूछा हो कि कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं तो क्या करना है आपको, ये प्रॉपर्टी लगानी है कि सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी से हम इसे निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर फाइंड आर एक्स। ठीक है, तो इसमें आर एक्स की हमें वैल्यू निकालनी है, आर एक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो अब क्या होता है कि हमने बात की थी ट्राइंगल की कि एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। अगर आप ट्राइंगल ऐसे देखें, ठीक है, अगर आप ट्राइंगल ऐसे देखें तो क्या है, ये बेस 12 है, ठीक है, और हाइट कितनी है, 5 है, क्योंकि इस एंगल से यहाँ पे 90 डिग्री कितने में बन रहा है, ये देखो 5 पे बन रहा है, तो 5 हो गई। अगर इसी को अगर हम क्यू पी को हम बोले कि हमें आर एक्स निकालना है ना, तो पहले हम क्यू पी निकालेंगे। ठीक है, क्यू पी कैसे आ जाएगा, क्यू पी हमारा आ जाएगा, देखो मैंने आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बताए थे, उनकी इंपॉर्टेंस आप आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है तो आप कह दोगे
कि वो सीधे से 13 हो जाएगा, वरना आपको ऐसे कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा। तो आपको इंस्टेंटली पता होना चाहिए कि अगर 5 और 12 दिए हैं तो 13 होगा, ठीक है। जैसे 8, 15, 17, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता होना चाहिए, 5, 12, 13, 6, 8, 10, तो ये आपको एकदम से पता होना चाहिए, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एक एक तरीके से देखा जाए तो हाफ ये हो गया बेस, हमारा आरपी हो गया हाफ आरपी इंटू क्यू आर, ठीक। दूसरा तरीका हो गया हमारा, हमारा हाफ बेस अगर हम क्यूपी को मानते हैं तो हाइट हमारी क्या हो जाएगी, आर एक्स, ठीक है। तो क्यूपी हमारा अगर हम इस पे रखते हैं, क्यूपी हमारा 13 है और आर एक्स के बराबर है, तो मैं आर एक्स की वैल्यू निकालनी है, आर एक्स हमारा हो जाएगा ये हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ठीक है। 12 पंचे 60, 60/13, तो ये हमारी हो जाएगी लंबाई 60/13, ठीक है। तो हमने क्या किया, एरिया हमने दोनों में इक्वल रख दिया, क्योंकि सेम ट्राइंगल है तो सेम एरिया होगा ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इन द फिगर बिलो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू एस, क्यू आर इक्वल टू आर एस एंड एंगल एस आर क्यू इज इक्वल टू 100 डिग्री, फाइंड एंगल क्यू पी एस, ठीक है। तो हमें क्या दिया है कि पी क्यू क्यू एस के बराबर है और क्यू आर आर एस के बराबर है, ठीक है। हमें दिया है एस आर क्यू 100 डिग्री, एस आर क्यू ये 100 डिग्री दिया है, हमें क्या निकालना है क्यू पी एस, हमें ये एंगल निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या लगेगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगेगी। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है कि ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, तो ये 100 है तो बच गए 80 डिग्री, तो ये 40 डिग्री हो जाएगा, ये भी 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों साइड बराबर है पी क्यू और क्यू एस, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, तो मान लीजिए इसे हम x मान लेते हैं, इसे भी x हो जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा था, एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, इन दोनों के बराबर होता है, तो 40 डिग्री इज इक्वल टू 2x, तो यानी कि x आ गया हमारा 20 डिग्री, तो ये हमारा हो जाएगा 20 डिग्री, ठीक है। तो इसमें यूज किया क्या हमने, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, तो इससे हमारा एंगल निकल के आ गया। इन द फिगर गिवन बिलो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल एंड बी सी ई एंड सी डी एफ आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, तो हमें पता लगाना है ए बी प्लस एंगल बी एफ सी, तो हमें यहाँ पे एक अजीब सी फिगर दी है, ठीक है। इसमें हमें निकालना है कि ए बी, ये एंगल बना लेते हैं एक बार को, ये और बी एफ सी, बी एफ सी ये हमें एंगल, इन दोनों का हमें टोटल निकालना है, ठीक है। तो अब इसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, एंगल्स कितने होते हैं 60 डिग्री होते हैं, रेक्टेंगल में एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। अब हमें उसी प्रॉपर्टी को यूज करके हमें ये एंगल्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये देखो कि ये दो एंगल्स देखते हैं, ठीक है। एक ये देखो ए बी ई, जो ट्राइंगल ए बी ही है की साइड ए बी है, ठीक है, और इस ट्राइंगल में ये साइड डी सी है, तो ये डी सी और एफ, डी सी एफ क्या है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये साइड इस साइड के बराबर हो गई, ठीक है। फिर ये जो छोटी साइड है, ठीक है, ये बी सी है और बीई भी बी सी के बराबर है, ठीक है, तो ये साइड इसके बराबर हो गई, और ये एंगल अगर आप देखो ये 90 डिग्री है और ये 60 है, 90 प्लस 60 ये टोटल हमारा हो गया 150 डिग्री, और यही एंगल ये 150 डिग्री इसमें भी हो गया, ठीक है। दोनों ट्राइंगल्स में ये एंगल 150 डिग्री हो गया, ठीक है। तो यानी कि ये एंगल हमारा सेम आ गया, ये दोनों में सेम आ गया, तो ये हमारे जो ट्राइंगल्स हैं वो हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। वैसे इसको हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो गए, ठीक है। तो ये जो एंगल है बी एफ सी, ये मान लो इस एंगल को हम एक्स मान लेते हैं, तो ये एंगल यहाँ पे भी एक्स हो जाएगा, ये छोटी वाली साइड है, मतलब ये जो एफ सी है और ए बी ये बराबर है, तो ये वाला एंगल हमारा एक्स हो जाएगा और ये हमारा एंगल वाई है,
हमसे पूछा है x प्लस वाई की टोटल कितना होना चाहिए। ठीक है, ये एंगल हमारा x है तो ये एंगल भी x हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 150 हमारा 180 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें x प्लस वाई पूछा है, x प्लस वाई आ जाएगा 30 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो इसमें हमने कॉन्ग्रुएंस का यूज किया है। ये हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे, तो कॉन्ग्रुएंस भी समझ में आ जाएगी, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो ट्राइंगल्स पे, इसमें हमने ट्राइंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखी। ठीक है, ट्राइंगल्स में हमने देखा कि जो ट्राइंगल्स के टाइप्स होते हैं, ठीक है, साइड की वजह से जैसे एक्यूट, ऑब्ट्यूज और ये सब, और एंगल्स की उससे किस तरह के ट्राइंगल्स होते हैं, जैसे आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया या फिर राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये सब हमने इस प्रॉपर्टीज में देखा। ठीक है, तो ये हमारी इस चीज की प्रॉपर्टीज थी ट्राइंगल्स की। अब हम नेक्स्ट हमने कुछ बेसिक वही सब देखी, टाइप्स और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट में हम कुछ जो पार्ट टू होगा उसमें हम कुछ कुछ जैसे कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, सिमिलैरिटी और जो कुछ उसके वैसे होते हैं जो ट्राइंगल के डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, वो सब हम देखेंगे, और कुछ थ्योरम्स जो ट्राइंगल से रिलेटेड होते हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने बेसिक्स देखे ट्राइंगल्स के, कुछ प्रॉपर्टीज देखी, सेकेंड में कुछ हम थ्योरम्स और ये सब कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटी, ये सब प्रॉपर्टीज देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे।